हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सबको तीसरी वीडियो में क्या कहते हैं, वेलकम करता हूँ तीसरी वीडियो के लिए, चूँकि कबूतरों को बीमारी से बचाव के तरीकों की सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। और आज मैं सोचा आप लोगों को अपनी छत भी दिखाऊं और कबूतर भी दिखाए जाए। अच्छा, आजकल कोरोना बहुत फैला हुआ है और कोरोना से मैंने सोचा तो वीडियो पहले बनाई जाए कि कोरोना से बचाव के क्या क्या तरीके हैं जो आप लोग अपना सकते हैं और इससे कोरोना वायरस परिंदों में नहीं आएगा। कोरोना वायरस के परिंदों में आने के दो ही तरीके हैं, एक तो ये कि आप से आए और दूसरा ये कि आप कोई परिंदा पकड़ें जिसको पहले कोरोना वायरस के मुतासरा शख्स ने हाथ लगाया हुआ हो, तो उससे आपके परिंदों में आ सकता है। ये दो तरीके हैं। इन दोनों तरीकों से सबसे पहला तरीका ये है कि आपसे ना आए तो आप ख़ुद को कोरोना वायरस से बचाएं, तो इससे ये होगा कि आपके घर वालों में और कबूतरों में भी ये वायरस नहीं आएगा। दूसरी बात ये कि उनसे कैसे बचाया जाए जो दूसरे एक मुतास कोरोना वायरस के मुतासरा शख्स के कबूतरों से आप में आ सकता है। तो उससे यह है कि आप दो चीज़ें कम करें, एक तो ये कि आजकल कबूतरों को ख़रीदारी ना करें बिल्कुल भी, चाहे मार्केट से, चाहे दुकान से, या किसी अजीज़ व अकारिब से भी उठा के मत लाएं कबूतरों को। तो और दूसरा तरीका ये कि जो भी कबूतर आप पकड़ें उसको क्या कहते हैं, आज़ाद कर दें, उसको छत पे उतरे, कोई भी कबूतर किसी का भी उसको ना पकड़े, उसको जाने दें भले कितना ही अच्छा क्यों ना, ठीक है? क्योंकि अगर वो बीमारी ले आया तो आपके अच्छे अच्छे चले जाएंगे, वो एक अच्छा भी चला जाएगा और आपके अच्छे भी चले जाएंगे। तो बेहतर है कि थोड़ा सा सब्र कर लें और क्या कहते हैं, सख्त फैसले कर लें, तो आपके आप भी महफूज रहेंगे और कबूतर भी महफूज रहेंगे। बस मेरा इतना ही मैसेज है इस वीडियो में। और कोरोना से बचाव के फ़िलहाल यही दो तरीके हैं। कोई इसकी तो इंसानों के लिए प्रिवेंशन नहीं आई अभी तक, कोई वैक्सीन नहीं है, कुछ नहीं है, तो कबूतरों की क्या वैक्सीन बनी है? इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, आप बस बचाव से ही अपना काम कर सकते हैं। शुक्रिया। ये मेरे कुछ कबूतर हैं, आप देखें, मुझे तो दिख नहीं रहा क्योंकि मैं वीडियो मोबाइल से बना रहा हूँ, इस वजह से रोशनी की वजह से आ नहीं रहा। आप लोग देखें, ये थोड़ा सा शौक है मेरा छोटा सा, देखें कबूतर, फिर आपको अलग से इंशाल्लाह पकड़ के भी दिखाएंगे एक एक कबूतर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।